हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजा में छो? मजे में ही रहने चाहिए फ्रेंड्स। कोविड से अपना बचाव करिए, स्टे सेफ एट होम एंड स्टे सेफ, ओके। सैनिटाइजर्स भी यूज़ करिए, मुझे आपकी फिक्र है। तो आज लेके मैं आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग आप लोगों के लिए, कि आपकी पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। तो आज मैं आपको थर्ड पार्टी और आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं करंट, वो बताना चाहती हूँ। पास्ट की भी एनर्जी बताऊंगी थोड़ी बहुत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद द शफलिंग ऑफ कार्ड्स, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले ही बोल रही हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अभी सही सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी आप देख रहे हैं तो प्लीज, इससे मुझे और आपको दोनों को ही बेनिफिट होगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे वीडियोस को देखकर लाभ उठाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर दीजिएगा और टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड या एज अ गाइड गुरु टैरो कार्ड रीडर, कि आपको बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए। मुझसे नहीं करना कोई बात नहीं, कहीं से भी करें और अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। इससे आप अवेयर हो सकते हैं अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान के, अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, अपने पति के लिए देख सकते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए देख सकते हैं। तो आप बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स जरूर कीजिए, मैं सजेस्ट करती हूँ। पर्सनल रीडिंग भी कराइए अगर आपको ज्यादा दिक्कतें हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं, यू वर्सेस देम। आज का वीडियो ये है, तो कीप इन माइंड फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट ना करे, रेजोनेट करे तो रख लें, अगर ना करे तो इसको पूरी तरह से इग्नोर करें। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग में फ्रेंड्स। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, प्लीज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में भी बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मुझे। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके पार्टनर आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, पास की एनर्जी मुझे लग रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आई है ये बताती है आपके पार्टनर्स ने, आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में घोस्ट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, बगैर बताए चले गए। इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह रखा, चॉइसेस की तरह रखा, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, झूठ बोले, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। वो आपसे जो कहते होंगे वो करते होंगे, जो वो आपसे कहते होंगे वो करते नहीं होंगे, मतलब वो आपसे कहते होंगे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, लेकिन ऐसा इनसे हो नहीं पाया, हो ना पाया इनसे ऐसा फ्रेंड्स। फिर निकली है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस इंसान है, धोखा चीटिंग और कुछ मेरी इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आपने इस इंसान के बारे में अच्छा सोचना ही छोड़ दिया था कि ये इंसान कभी आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको आके कमिटमेंट देगा, या ये जो कहता है कि ये इंसान कभी पूरा करेगा या नहीं करेगा, ऐसी कमिटमेंट करते हैं ना ये, कभी आते हैं कभी जाते हैं ऑन एंड ऑफ, या कभी बोलते हैं मैं ये करूँगा, कमिटमेंट देते हैं मैं ये करूँगा, फिर वो करते नहीं हैं, तो ऐसा सा कुछ है। आपने इस इंसान से वॉक अवे कर लिया है, इस वजह से आप इनसे दूर हट गए हैं, वॉक अवे कर लिया है इनसे, आपने इस इंसान को इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर दिया है,
लेकिन आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने इस इंसान को वॉक अवे कर लिया, इससे कमिटमेंट देना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, लेकिन अब ये इंसान जो है आपका बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, ये जानता है कि इसने आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दी है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, और बहुत ज़्यादा इस इंसान को गिल्ट भी महसूस होता है कि इस इंसान ने आपको, आपके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इस इंसान ने अपने घर वालों के कहने पर या तो किसी और की और से शादी कर ली है, इसने अपने घर वालों के कहने पर किसी और से शादी कर ली है, या तो या ये ऑलरेडी मैरिड थे, या आपको बताया नहीं होगा कि ये मैरिड हैं, या ये कमिटेड हैं विद समवन एल्स। इसने आपको खुद की अपनी सच्चाई नहीं बताई होगी। अब इस इंसान को ये हाल है कि इस इंसान का ये हाल है कि ये आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है। ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता चलता है कि ये इंसान धोखा दे के तो जाता है, मगर ये इंसान वापस मुड़ कर देखता रहता है। देखिए मुड़ के देख रहा है ना, ये इंसान मुड़ के देख रहा है, ये धोखा दे के चला जाता है, लड़ाई झगड़े करके चला जाता है, कमिटमेंट नहीं देता है, धोखा दे के चला जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये पीछे मुड़ के देखता रहता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गई, किसी और के साथ अटैच तो नहीं हो गई। इस इंसान के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। टू ऑफ कप्स निकल कर आया है, ये बताता है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, केयर है, प्यार है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। बात यह है कि अब ये इंसान आपके पास वापस तो आना चाहता है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कि ये किस मुंह से वापस आए, क्योंकि यही तो आपको चीट करके गए थे, ठीक है। अब इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस मुंह से वापस आए। तो ये देखिए सिक्स ऑफ वैंड्स, ये बताता है, सिक्स ऑफ वैंड्स ये बताता है कि इस इंसान की या तो अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है। अगर ये कोई अथॉरिटी फिगर है तो हो सकता है ये कोई अथॉरिटी फिगर है, या अच्छी जॉब है, या अच्छा बिजनेस है इनका। ये पर्सन जिसे लोग काफी पसंद करते हैं, ऐसे पर्सन को लोग काफी पसंद करते हैं। इसके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इसे इस एनर्जी से ये लगता है कि इनके पास चॉइसेस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता है इनकी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ हैं ये, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता थर्ड पार्टी के साथ। तो आपको ही सोचते रहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं दोबारा। इस इंसान ने आपको चीट किया, लेकिन ये चाहता है कि इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, ठीक है। देखिए ये 10 स्टार की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 स्टार निकला है, तो आप कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता या ये इंसान की फीलिंग्स ट्रू नहीं है। ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचता है, मिस करता है, आपके लिए दुआएं करता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान रात रात भर आपके बारे में सोचता रहता है, रोता रहता है, और आप बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव लगती हैं। फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, आपके बाल इसको बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी आंखें इसको बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, बाल खोल के रहा करिए इनके सामने, खूबसूरत बन के रहा करिए, और अट्रैक्टिव लगिए और जलाइए इन्हें। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में हिडन हैं जो ये इंसान रिवील करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है, आपको ये कमिटमेंट करना चाहता है, मरे जा रहा है कमिटमेंट करने के लिए। ये आपकी बहुत अच्छी रीडिंग निकली है फ्रेंड्स। अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस ऑप्शन भी थी, तो इसकी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस आ जाएं, ये इंसान आपको ही पसंद करता है, आप ही का होना चाहता है, आप ही का कहना चाहूंगी, आप ही को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इस इंसान के इमोशंस डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं आपके लिए। ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहें,
चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ पार्टनर, चाहे एज अ कुछ भी, किसी भी तरह से आप इनकी लाइफ में रहें, लेकिन ये इंसान किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये इंसान आपके दोस्तों से पूछता रहता है आपके बारे में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये चाहता है इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। अगर आप लोग एज अ कपल हैं या किसी वजह से सेपरेट हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये आपसे बात करना चाहता है। अगर आप दोनों लेस कमिटेड हैं, तो ये तभी भी आपके साथ एक कमिटमेंट में रहना चाहता है। हो सकता है डिफरेंसेस आप हों, आप दोनों के बीच हों, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो आपको अपना प्यार का कप ऑफर करना है। ये देखिए प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं ये फोर ऑफ कप्स में, आपको आप इनके प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं, वो देना चाहते हैं अपना प्यार, आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में इसकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, अगर ये आपकी लाइफ से चला जाता है तो दोबारा आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा आता है, लेकिन इस बार जब आएगा तो आपको एक सॉलिड ऑफर देके जाएगा, स्टेबिलिटी की बात करेगा। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी दिख रहे हैं, एटीट्यूड वाले, ईगो वाले, ईगोइस्टिक नखड़े वाले, बहुत ज़्यादा मतलब ईगो में रहने वाले, एटीट्यूड दिखाने वाले। इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है, इसीलिए ईगो में रहते हैं ये। अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब हो सकती है। तो चलिए थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ही निकला है दोबारा से। डेथ निकला है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, टेन ऑफ वैंड्स निकला है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स निकला है। फ्रेंड्स फिर से सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान यहाँ जो इन्होंने आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, इनको धोखा दे रही है, इनको ऑप्शंस या चॉइसेस की तरह रख रही है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा करे वैसा भरे, जो इन्होंने आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, धोखा दे रही है, चीट कर रही है, इन्हें ऑप्शंस की तरह रख रही है, चॉइसेस की तरह रख रही है। थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है इतनी स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी की जो फैमिली है वो इतनी स्ट्रांग है इनके साथ, इनको रहने नहीं दे रही है। डेथ का कार्ड बता रहा है, इसका मतलब है डेथ के कार्ड का कि यहाँ सब पर सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर आप दोनों सेम मैरिड भी हैं और मैरिज हो चुकी है और किसी वजह से सेपरेट हो चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान जो है आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं ये इंसान आपको, लेकिन यहाँ पर ये स्टक हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, फंसे हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस दिया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर मिला है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इन्हें नुकसान हुआ है पैसों का, थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कि फाइनेंशियल लॉस दिखा रहा है, फाइनेंशियल लॉस को बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दुख को बताता है ये कार्ड। ये भी बताता है कि किसी की परवाह नहीं करना, ये इंसान सोचता है कि इस थर्ड पार्टी ने इसे छोड़ दिया है, फाइनेंशियल लॉस दिया है, इनको पैसों पे ज़्यादा फोकस किया है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच थे तो थर्ड पार्टी इनके पास सिर्फ पैसों की वजह से थी,
कोई प्यार नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था फ्रेंड्स. बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी दिख रही है. देखिए डार्क एनर्जी दिख रही है ना, ब्लैक 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 डार्कनेस दिख रही है. तो अब आपके पार्टनर को इनके साथ रहना पड़ रहा है, तभी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ कप्स आया है. ठीक है फ्रेंड्स, फोर ऑफ कप्स आया है, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है. तो ये फ्रेंड्स, ये इंसान जो है आपको डे एंड नाइट मिस कर रहा है. इसने जो आपके साथ किया वो सब कुछ थर्ड पार्टी इसके साथ कर रही है, तब आपकी इसे वैल्यू नजर आ रही है. और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी की जो फैमिली है इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनने दे रही. ये इंसान चाहता है कि वो इस डार्कनेस से बाहर आए और ये बर्डन उतार कर कहीं फेंक देना चाहता है. थर्ड पार्टी ने भी इन्हें छोड़ दिया, इसकी परवाह नहीं करी, ये बर्डन उतार के फेंक देना चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है. अब इस इंसान को आपकी कदर आ गई है. थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा इनको जो है ये गुस्सा है, ये क्लैरिटी चाहते हैं, देना चाहते हैं क्लैरिटी. ये इंसान जो है बिल्कुल भी यहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन नहीं है थर्ड पार्टी से. अगर ये इनके साथ रह रहे हैं तो सारी फाइनेंसेस की वजह से रह रहे हैं, ये जो फाइनेंसेस है इसकी वजह से रह रहे हैं. अगर थर्ड पार्टी इनकी है तब भी यहाँ पर, अगर थर्ड पार्टी इनकी मदर है तब भी यहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है. थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, इनकी मदर भी दिख रही है मुझे, इनकी मदर भी हो सकती है थर्ड पार्टी. तो तब भी यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है थर्ड पार्टी अगर मदर है तो. इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है इस चीज़ से. तो ये इंसान की थर्ड पार्टी अगर मदर है तो ये अपनी उस वजह से यहाँ पर रहना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलत व्यवहार, अब्यूसिव लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, गलत व्यवहार हो रहा है इनके साथ. मदर है तो ये मदर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये स्टक हैं, फंसे हुए हैं ये मदर की वजह से. अब माँ बाप को फ्रेंड्स कौन छोड़ता है, आप खुद ही बताइए. अच्छे जो लड़के होते हैं तो माँ बाप को तो फ्रेंड्स छोड़ते ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टक हैं, इसलिए ये फंसे हुए हैं. कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है इनमें अब. हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस इंसान की मजबूरी नज़र आ रही है मुझे. इस इंसान का ट्रू लव आप है. अगर आपकी इनसे शादी हुई है तो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान का ट्रू लव आप है. ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. इसने गलती तो करी है, लेकिन इसे पता है कि ये इंसान आपके लिए ही बना है. तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनका नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए 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 यूनिवर्स, बताइए एंजल, बताइए एंसेस्टर्स, बताइए स्पिरिट गाइड्स, क्या लेंगे. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है. ये देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप एक लग्जूरियस लाइफ जीती हैं और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है. इसलिए ये इंसान आपको पकड़ कर बैठा हुआ है, आपको छोड़ना ही नहीं चाहता. तो चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं. थ्री ऑफ वैंड्स, इस इंसान से अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इंसान ट्रैवल करके आपको मिलना चाहता है. थ्री ऑफ वैंड्स का मतलब ही है ट्रैवलिंग, दूर से लॉन्ग से लंबी यात्रा करके आना. थ्री ऑफ वैंड्स से ये इंसान ट्राई कर रहा है कि कब ये इंसान थर्ड पार्टी से छुटकारा पाए और आपके पास वापस आ जाए. किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देना चाहता है. आपको जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए उस तरह से ट्रीट करना चाहता है. आपको फ्रूटफुल लाइफ देना चाहता है, आपको अच्छी लाइफ देना चाहता है, आपको अच्छी तरह ट्रीट करना चाहता है. द वर्ल्ड,
मुझे लगता है फ्रेंड्स आपकी जो साइकिल थी इसके साथ वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये इंसान आपके पास दोबारा से आना चाहता है। आपका रिलेशनशिप एक मरतबा ख़त्म हो चुका है, अब ये इंसान आपके साथ एक दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। हो सकता है आप लोग जो हैं अगर एज अ कपल हैं तो हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हों, जहां आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हों और ये आप लोगों को का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी दिख रहा है और ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी करता है। ये इंसान ये लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है तो ये आपसे मिलने आना चाहता है वो। और देख लेते हैं तो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देते थे तो वो आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, फुल्ली एंड सोल्ली एंड होल्ली कमिटेड होना चाहते हैं आपसे। द हाई प्रीस्टेस जो आपसे चीजें छुपाई हुई हैं इस इंसान ने, ये इंसान आपको आकर रिवील करेगा, बताएगा आपको, ट्रूथ बताएगा, सच्चाई बताएगा, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएगा। और इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसको कि ये रिलेशनशिप जो है एक ना एक दिन वर्क करेगा और आप जो है इसकी लाइफ में दोबारा से वापस आ जाएंगी। ये इंसान किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। अब आपसे दूरी यहाँ पर इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसका बस चले तो ये पंख लगाकर उड़ना चाहता है। फ्रेंड्स तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो इसी बात पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल बटन दबा दीजिए, मेरी भी हेल्प कर दीजिए, आपका भी बेनिफिट होगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है करवानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है वीडियो में, आप उसको मैसेज कर सकते हैं उस पर और मुझे बता सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। इट्स पेड नॉट फॉर फ्री। ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग का जो कोर्स है बेसिक ही कर लीजिए आप, मैं तो कहूँगी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वो भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा आप उसके बारे में। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में, कुछ बोलना चाहते हैं मुझे तो बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, स्टे सेफ।